कालबेट के ग्राम पंचायत टेटा में और मुबीन अली जो कि ग्राम पंचायत टेटा से ग्राम प्रधान है और हमें और हमारे साथ जनप्रतिनिधियों का और उनका भी लगातार दौरा देखा जा रहा है। चिन्हित कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या है शमशान घाट की। हम आपसे दूसरी बार मिले या तीसरी बार, नेक्स्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि गांव में शमशान घाट है नहीं है। तो शमशान घाट है नहीं तो उसका जो वीडियो साहब के माध्यम से मनरेगा से फाइल कम्प्लीट हो गई, मिल गया, सब हो गया। बात की जाए तालाब को, किस कार्यकाल में नहीं, मोदी जी के शासन में और योगी जी के शासन में इतना बढ़िया कार्यकाल चल रहा है कि पूरी जनता के लिए जो योजनाएँ हैं आवास की जो योजनाएँ हैं, तो हमारे यहाँ कितने आवास आ गए हैं, कम से कम 70 आवास, प्रधानमंत्री 66 आवास और सीएम आवास कम से कम 85 पर 100 आवास अभी हमारे कार्यकाल में 2.5 साल में बन चुके हैं। मुक्तिधाम का ऐसा है कि ऊपर से ने सुना है कि चल रही है मुक्तिधाम होना चाहिए गांव में, और बारात घर के लिए भी एक योजना चल रही है कि बारात घर हर गाँव में होना चाहिए, तो शादी घर तो लगभग हमारे हिसाब से 90% सब जगह बन गए हैं। और जो है सरकार में आ गई बदलाव, नहीं बढ़िया जैसा चल रहा है, हम तो जैसा समय चल रहा है वही चलना चाहिए। सांसद जी कैसे होना चाहिए, समय जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए। कोई चेहरा या केवल सिंबल के आधार पर ही जो आए उनके लोग ही आना चाहिए या चेहरे में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, हम तो ये कहेंगे सांसद जी बहुत अच्छी आदमी हैं और आगे सब जानकारी है सबको, सांसद जी बहुत अच्छी आदमी। किसानों की तो बहुत देखो समस्या जटिल है अब हम नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक तालबेट के ग्राम पंचायत टेटा में और हमारे साथ आज फिर व्यक्ति हैं मुबीन अली जो कि ग्राम पंचायत टेटा से ग्राम प्रधान है और हमने आपको पहले भी रूबरू करवाया था, क्या कुछ गांव में किस तरह विकास बहता हुआ देखा जाता है वो भी हमने जानने का प्रयास किया था। आज हम फिर से पहुंचे हैं और लगभग चुनाव का डंका बज चुका है और जल्द ही चुनाव लगभग नजदीक आने वाले, तो क्या कुछ हाल देखने को मिलता है और क्या कुछ कार्यकाल रहा जनप्रतिनिधियों का और उनका भी लगातार दौरा देखा जा रहा है? जी स्वागत। नमस्कार, अभी हम बात करें इस समय कार्यकाल पूरा होने वाला है और लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या कुछ भूमिका वर्तमान सरकार की देखी गई है, क्या क्या कुछ बदलाव देखा गया है इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में नहीं, मोदी जी के शासन में और योगी जी के शासन में इतना बढ़िया कार्यकाल चल रहा है कि पूरी जनता के लिए जो योजनाएं हैं आवास की जो योजनाएं हैं, तो हमारे यहाँ कितने आवास आ गए हैं, कम से कम 70 आवास, प्रधानमंत्री 66 आवास और सीएम आवास कम से कम 85 पर 100 आवास अभी हमारे कार्यकाल में 2.5 साल में बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2024 का कि उन्हें संपूर्ण भारत में आवास विहीन करना है, तो 24 में मार्च तक हमें लगता है कि 10-20-50 आवास जो बची होंगी वे भी जीरो हो जाएंगे। और सब योजनाएं चल रही हैं राशन कार्ड की, अभी संकल्प यात्रा बहुत अच्छी है यात्रा, इससे गांव के सभी लोगों के लिए वहां जुड़ा गया था और सब योजनाओं के बारे में बताया गया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में बताया गया और राशन कार्ड के बारे में कि भाई सरकार कह रही कि आप लो, और काम भी बहुत पूरे अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, काम जोड़ों पर है। पहले के समय अगर आज की अपेक्षा में देखा जाए, पहले के समय में एक समय पेयजल की भी समस्या होती थी, साफ सफाई की भी व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं हुआ करती थी, बिजली की भी समस्या देखने को मिलती थी, आज क्या हाल है, वही हाल है या कुछ बदलाव होते हुए देखा जाए? आपको सच बता दें, हम बिल्कुल सत बात कह रहे हैं अपन तो, कि पिछले में और आज के समय में चाहे पेयजल समस्या हो तो जल जीवन मिशन के माध्यम से सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी घर घर जल की व्यवस्था कर दी है। और अभी एक हमने प्लांट लगवाया है अभी मोहल्ला में, एक रोहतियाने मोहल्ला है पानी के लिए सोलर प्लांट, तो उससे पानी की पूरे मोहल्ला को व्यवस्था 300-400 लोगों के लिए बढ़िया पानी की व्यवस्था, आप जाके देख लेना अभी व्यवस्था हुई। और जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर जल नल जी योजना से सबको पानी की व्यवस्था घर घर पहुंच रही है। अगर देखा जाए विद्युत व्यवस्था को लेकर वो काफ़ी हालात खराब देखने को मिलती है, क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ सुधार हुआ, क्या कुछ सुधार रहेंगे? विद्युत व्यवस्था के बारे में तो जी कहना चाहेंगे कि विद्युत जो लाइट है वो सही आ रही है, टाइम से आ रही है, और जो खराब स्थिति होती है उसको समय से जल्दी निस्तारण करने की कोशिश करती है और हो रही है। जो पहले की तरह एक समय ये होया करता था कि पर्दा प्रथा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है,
शौच के लिए लोग बाहर खुले में जाया करते थे, सरकार ने घर घर शौचालय भी बनाया, अब तो गांव में भी सामुदायिक शौचालय भी बनवा दिया गांव गांव में। मुक्ति धाम के लिए दाह संस्कार के लिए खुले में लोग करते थे, आज मुक्ति धाम ऐसा सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम गांव गांव विकास कर रहे हैं, मुक्ति धाम बनवा रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं, घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, तो क्या कुछ ये सारे दावे जो सरकार के हवा हवा ही है, बाकी में धरातल पर बन रहे हैं या कागजों में समटे हुए हैं? नहीं जी, तो मुक्ति धाम का ऐसा है कि ऊपर से ने सुना है कि चल रही है मुक्ति धाम होना चाहिए गांव में, और बारात घर के लिए भी एक योजना चल रही है कि बारात घर हर गांव में होना चाहिए, तो शादी घर तो लगभग हमारे हिसाब से 90% सब जगह बन गए हैं, और यहीं 10% कुछ विवाद स्थिति है, कई गाँव में थोड़ी विवाद की स्थिति ये रहती है। जैसे हमारे गाँव में आप देख लो, तो हमारी एक साल पहले फाइल कम्प्लीट हो गई थी शमशान घाट की मनरेगा से, उसके बाद लगे रहे अभी तक लगे हैं, लेकिन अभी शनिवार को डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था, तो अगला शनिवार कल था अभी निकल गया जी, तो उसके पहले एसडीएम साहब का संजय पांडे का फोन आया कि साहब वो चिन्हित हो गई है जगह, प्रधान जी हमने जी लेखपाल ने चिन्हित कर दिया, अब नेक्स्ट कार्रवाई मंगल तक देखो क्या होता है, अधिकारी लोग आएंगे चिन्हित कर दें। हमारे इतनी बड़ी समस्या है शमशान घाट की, हम आपसे दूसरी बार मिले या तीसरी बार, नेक्स्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि गांव में शमशान घाट है नहीं है, तो वो शमशान घाट है नहीं, फिर उसका जो वीडियो साहब के माध्यम से मनरेगा से फाइल कंप्लीट हो गई, मिल गया है, सब हो गया है। बात की जाए तालाब को, जी तालाब को लेकर, तालाब अमृत सरोवर तालाब बनाया क्या नहीं बनाया? अमृत सरोवर अभी एक बना है मजार पर जी, और दूसरा की तैयारी अटल बिहारी, चुनाव है अब, दौड़ा भी लगता है लगभग, सांसद जी का चल रहा है, आपके गांव में सांसद जी पहुंचे कभी हाल जानने के लिए आए कि क्या कुछ हाल? सांसद जी अभी तक नहीं आए हैं, और ना विधायक जी अभी, क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप जनता? किससे? सांसद जी से या विधायक जी से? विधायक जी से, सांसद जी से। अब विधायक जी मानी, विधायक जी तो लोकप्रिय विधायक हैं, सांसद जी अनुभव शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सांसद जी कैसे हैं? सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं सांसद जी से आप? अब हम तो अपेक्षा आपसे थोड़ी उन्हीं से बताएंगे अपेक्षा क्या रखते हैं, आपके माध्यम से उनके पास खबर पहुंच जाए, तो एक छोटा सा काम है सांसद निधि से, छोटा उनके लिए छोटा है हमारे लिए बहुत बड़ा है, अभी सांसद हम ग्राम प्रधान हैं। आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए आपके गाँव में? केवल 2-3 रोड हैं ऐसे जो एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला को जुड़ रही हैं, आने में समस्या है, कच्ची रास्ताएं हैं, 400-500 मीटर की हैं और 1-1 किलोमीटर की है। सरकार को लेकर क्या कहेंगे, बदलाव होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए? सरकार में आ गई बदलाव नहीं, बढ़िया जैसा चल रहा है, हम तो जैसा समय चल रहा है वैसे चलना चाहिए। सांसद जी कैसे होना चाहिए आपकी बात? समय जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए। कोई चेहरा या केवल सिंबल के आधार पर ही जो आए उनके लोग ही आना चाहिए या चेहरे में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, हम तो ये कहेंगे सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और फिर आगे सब जानकारी है सबको, सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो आ जाएं तो दोबारा बनने हैं, अभी तो उन्हें कोई नहीं रोक पाया। किसानों को किस नजरे से आप देखते हैं? किसान तो वही, किसान तो गांव की का सब तो जड़ है किसान, किसान जड़ है। किसानों की आपको देखने को मिलती है या कुछ इस सरकार में? किसानों की तो बहुत देखो समस्या जटिल है, अब हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है? तो क्या कुछ हाल गांव में देखने को मिलता है, हम बात करें यहां पर सड़कों की हालातों को लेकर या पेयजल को लेकर या विद्युत व्यवस्था की भी बात की जाए या तमाम विकास को लेकर की बजाय, और अगर सरकार की हम बात करें तो अगर जनप्रतिनिधियों के नजरिए से देखा जाए तो गांव में विकास हो रहा है, जो सुविधा नहीं एक समय पहले हुआ करती थी आज के समय में भी होते हुए भी देखी जा रही है। तो बने रही हमारे साथ, गाँव के हम बीचों बीच भी ले जाने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ वहां पर लोग कहते हैं और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए और कितना क्या कुछ बदलाव आज के समय में होते हुए देखा जा रहा है और क्या कुछ जनता कहती है, क्या कुछ किसान कहते हैं, क्या कुछ महिला कहती है, क्या कुछ बुजुर्ग कहते हैं और क्या कुछ शिक्षा का हाल देखने को मिलता है, थोड़ा सा वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और क्या कुछ लोग कहते हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।